दीदी दीदी मुझे एक मिनट फोन दिखा दो, मुझे अर्जेंट एक कॉल करनी है प्लीज जल्दी। क्या हुआ, घबरा हुए क्यों? मेरे को फोन दो प्लीज, मेरे को एक कॉल करवा दो, एक कॉल लॉक लॉक खोल के दो। इतने घबराए हुए क्यों हो दीदी? बस एक कॉल करनी है अर्जेंट। हेलो यार, हेलो 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 विशाल, हेलो। देखो मैं ना तुम्हारी लोकेशन पे आ गई हूँ, तुमने जहाँ बुलाया था मैं वहीं आ गई हूँ। मैं फ़ोन घर पे भूल गई जल्दबाजी में। हाँ हाँ, पैसे मैं सारे ले आई हूँ, पूरा बैग ले आई हूँ और ज्वेलरी वगैरह सब रख के लाई हूँ, ठीक है? हाँ, ज्वेलरी वगैरह सब के पैसे हैं, तो प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ तुम्हारा, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, धोखा मत देना प्लीज़। मैं तुम्हारे चक्कर में घर वर सब छोड़ के आ गई हूँ, घर से सारा पैसा लेकर आ गई हूँ मैं, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए किया है मैंने सब कुछ। ठीक है ठीक है, ये मैंने किसी का फ़ोन लेके कॉल किया है, तुमने जहाँ बुलाया था मैं वहीं आ गई हूँ एग्जैक्ट। ओके ठीक है, डन, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। रुको रुको एक मिनट, कहाँ जा रही हो? हाँ एक बात बताओ, कहाँ से आए हो? हाँ घर से भाग के आई हो ना दीदी, मेरे को जाने दो, भी मेरी बहुत अर्जेंट। नहीं नहीं, नहीं कहीं नहीं जाओगी दीदी, दीदी दे दो, इतने सारे पैसे लेके कहाँ भागती चली जा रही हो? तुम्हारी एज कितनी है दी? आपको क्या करना है इतने? पहले ये बताओ मुझे तुम्हारी एज कितनी है? 18 एज मेरी। तुम आजकल के बच्चों को हुआ क्या है? मैं बहुत प्यार करती हूँ उस विशाल से। ये कोई उम्र है प्यार की? आपको क्या करना है यार, आप मेरा बैग दो, मुझे जाने दो ना। दीदी बोला है ना, आप मैं ऐसे बड़े हो इसलिए मैंने दीदी बोला आपको। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है? आप इतने छोटे और ऊपर से आप ये क्या करने जा रहे हो? मैं क्या, मेरे गलत देखो है? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मेरे घर वाले उससे शादी नहीं कराएंगे, मेरे को जाना है प्लीज। क्यों नहीं कराएंगे? मेरी बात सुनो, आगे बढ़ो, थोड़ी अपनी एज, थोड़ी अपने मैच्योरिटी लेवल लाओ। अभी आप कितने छोटे हो हाँ, और ये ऐसे भागते हुए निकल आए हो, अभी कल को वो छोड़ दे, पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे तुम? वो क्यों मुझे छोड़ेगा? मैं उसके लिए तो, उसने मेरे को बोला, उसने मेरे को सारे बहुत सारे प्रॉमिस करे मेरे लिए, उसने फोन और कट कर दिया तुम्हारा बीच में से। तुम्हें क्या लगता है वो आएगा तुम्हारे लिए? वो नहीं आएगा, वो आएगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया है, उसने मेरे को कहा है कि वो मेरे को लेकर जाएगा। आप मेरा बैग दो, मुझे जाना है। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैंने 12th पास कर ली है, मैं अपनी जॉब करूंगी और मेरे को अपना बेटा, मेरे को शादी करनी है उससे, वो मेरे से कर रहे हो प्लीज। तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम्हें शादी करनी है, बड़ी हो जाओ, तुम्हारे माँ बाप ने बड़े हूँ, तुम्हें माँ बाप ने इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया था कि तुम कल को भाग जाओ किसी लड़के के साथ। मेरे माँ बाप मेरे को नहीं सपोर्ट करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अभी आप छोटे हो, अभी कैसे भी सपोर्ट नहीं कर सकते वो। अभी तुम्हें अपना ये भी नहीं पता है कि कल को तुम्हारे साथ क्या हो जाए। जिस बंदे के लिए तुम भाग रही हो उसका कोई भरोसा है? वो तुम्हारा ख्याल, आप उसे नहीं जानते, आप मत बोलो उसे कुछ भी, ठीक है? मैं नहीं जानती। आपने फोन दिया, बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। एक मिनट, यहाँ देखो मैं बड़ी हूँ तुमसे, समझदार हूँ, मुझे पता है आजकल लोग कैसे होते हैं, ठीक है? तुम अभी बहुत छोटी हो, अपने दिमाग में इस चीज को लाओ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ा किया है इतना कि तुम इस तरीके से तुम भागती फिरो। और ये पैसे में क्या दिक्कत है भाई? मेरे माँ बाप, मेरा बॉयफ्रेंड, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने तुम्हें मतलब इन्हीं सब चीजों के लिए किया था? हाँ, पढ़ाया लिखाया तुम्हें, सारी चीजें तुम्हारे लिए करी अवेलेबल, और तुम आज जाके मतलब सारी चीजें पैसा लेके भाग रही हो तुम किसी के भी साथ। तो क्या हुआ यार, मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है, मैं मेरे को जाने दो प्लीज। मेरा वेट करनी है तुमको? हाँ मेरे माँ बाप कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, सब कुछ वही है जो कल का आया हुआ। माँ बाप ने जो किया उनका फर्ज बनता है वो करना, ठीक है? उनका फर्ज बनता है, तुम अपना क्या फर्ज निभा रही हो ये बताओ मुझे? ये तुम्हारा फर्ज है, तुम भाग रही हो। कल को अगर उसने तुम्हारे साथ गलत किया तो फिर एक बात बताओ, माँ बाप की कितनी बेइज्जती होगी? तुम ऐसे भाग रही हो, उनको लोग उनको क्या क्या बोलेंगे? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम मेरा बैग दो। मुझे दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैं बड़ी हूँ। अच्छा, और तुम छोटे हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गई, मैं तुम्हारा कहने का तरीका भी समझ गई। अभी बैग मुझे दो, मैं अभी कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। मैं कहीं नहीं जा रही, सुनो मेरी बात सुनो। इसमें ना मेरे बहुत सारे पैसे हैं, देखो मैं बहुत सारे पैसे लेकर आई हूँ घर से, ये पकड़ो, सुनो। इसमें से कुछ पैसे तुम रख लो प्लीज, मुझे जाने दो। तुम मतलब तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं ये पैसे के लिए कर रही हूँ, ये पैसे तुम रख लो, मैं दे तो रही हूँ आधा पैसा तुम्हें, आधा पैसा तुम ले लो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्या मैं तुमसे पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ? तो तुम्हारे माँ बाप ने इतना पैसा इकट्ठा किया इसलिए किया है कि कल को तुम उनकी नाक कटा के भाग जाओ किसी के साथ, और क्या भरोसा उसका? मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। मुझे तुमसे प्यार करता ना तो तुमसे ऐसे भागने के लिए नहीं बोलता।
तुम्हारे घर जाता और बकायदा तुम्हारा हाथ मांगता तुम्हारे घर वालों से। ये बहुत गलत है, तुम्हें नहीं लग रहा अभी, अभी तुम छोटी हो, जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें समझ आएगा। आ जाएंगे घर वाले, प्लीज आने दो, बिल्कुल आने दो, मैं उन्हीं को ये बैग दूंगी। मैं तुम्हें आज ये बैग नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करी, तुम रुको अभी। कंप्लेंट क्यों कर रही हो यार? मैं तुम्हारे घर वालों को बहुत मारेंगे यार, छोड़ूंगी मेरा बैग दो, मुझे जाना है, मुझे जाना है यार। इधर खड़े हो जाओ तुम, प्लीज मुझे जान दो, हाथ छोड़ो, इधर बैग दो पहले। तो ये गलत कर रही, तुम समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? तुमने मुझे बहन बोला, मैं तुम्हें अपनी छोटी सिस्टर मानती हूँ यार, मैं इसलिए तुम्हारा अच्छा ही चाह रही हूँ, समझ में आ रहा है? वो लड़का गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, इतने सारे पैसे तुम लेके भाग यार। सुनो ना, सुनो मेरी बात, सुनो, तुम ये सारे पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो, प्लीज मुझे जाने दो। लगता है मुझे पैसों का लालच है, रखो इन पैसों को, ठीक है? पैसे ले लो, मुझे पैसे भी ले लो, मुझे जाने दो प्लीज, मेरे को जाना है। आज मैं नहीं गई ना तो मेरा सब कुछ हो जाएगा खराब यार, प्लीज। कुछ खराब नहीं होगा, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तुम अभी खराब करने जा रही थी उस बंदे के साथ जिसको कुछ आता पता नहीं है, वो अभी तक आया भी नहीं है, पता है तुम्हें? और तुम उसके लिए भग रही हो यार, कितना ट्रस्ट करते हो तुम लोगों, तुम लोग करते क्या? इधर आओ, कहीं नहीं जाओगी तुम। अभी रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी रुको, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ यार। कंप्लेंट मत करो, क्यों कर रही हो कंप्लेंट तुम आजकल की? अरे नहीं नहीं नहीं, कंप्लेंट मत करो, सुनो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, फोन छोड़ो। अरे मैं कौन सी बात के लिए आई, मैं 20 प्लस हूँ, मैं एक वीडियो बना रही थी सोशल एक्सपेरिमेंट की, कोई लड़की ऐसा करती है तो कोई उसके अगेंस्ट रिएक्शन लेता है नहीं लेता। अच्छा। आप मेरा बैग दो, ये मैं ऐसे यकीन नहीं कर सकती, समझ में आ रहा है? क्या पता तुम मुझे पागल बना रही हो क्या भाई? मैं पागल नहीं बना रही, मैं पागल नहीं बना रही। देखो सुनो, इसमें जो पैसे है ना, तुम बहुत गलत कर रही हो यार। मैं कुछ, अरे कुछ कर ही नहीं रही, पैसे ही नकली है ये देखो, ये ऐसा नोट देखोगे ना, ये नकली है भाई, नकली है, सुनो मेरी बात। वो आप वो देख रहे हो, उस साइड कैमरा भी लगा है, उस साइड कोने पे उस साइड कैमरा लगा है। नॉर्मल एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी मैं तो सच में डर गई, मैंने कहा कोई सच में लड़की भाग रही है। नहीं, मेरी एज ज्यादा, मैंने कपड़े ऐसे पहने पर मेरी एज ज्यादा, और ये नकली पैसे हैं। ये मेरा बैग प्लीज दे दो, आप तो कंप्लेंट करने पुलिस बुला लेते अभी इतनी देर में। सो एंड थैंक यू सो मच, आपने एक्शन लिया, और ऐसे आगे भी अगर ऐसा कभी हो तो प्लीज जरूर एक्शन लेना। थैंक यू सो मच।